अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमार वास मिट्टू और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ यू दुबई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूएस रिलेटेड यूट्यूब्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। अभी काफ़ी टाइम से, एक दो महीने से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा पाकिस्तान गया हुआ था वेकेशन पर, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो इसलिए आज वापस आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जो अपना पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट होता है, एटीएम कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, उसको आप इंटरनेशनल यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक अगर आप दुबई में जो पीकेआर कार्ड होता है यहाँ से आप उसको विड्रॉ करते हैं यहाँ पर दिरहम में, तो आपको कितना टैक्स लगेगा, कितने चार्जेस लगेंगे, तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसका यह फ़ायदा होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एटीएम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ कि जब भी आप इधर बाहर आएँ, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री में, यूएई में या किसी और कंट्री में मूव हो रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो भी आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं उनको आपने इंटरनेशनल यूज़ के लिए एक्टिव कर लेना है। वो आप उनकी एप्लीकेशन की सेटिंग में, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सेटिंग में जाके वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, या उनके हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको बता दें कि ये मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ तो मेरा ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है इंटरनेशनल यूज़ के लिए इसको एक्टिव कर दें, तो वो वहाँ से आपको अलाउ कर देंगे। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो भी आपने साथ लेके आना है, उसको इंटरनेशनल करवा लेना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि इनकेस अगर आपको ईमेल पर ओटीपी नहीं आता तो आप मोबाइल पर ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी लोग जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या चार्जेस हैं, क्या सीन होता है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास एक एटीएम कार्ड है, ये पाकिस्तान का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है एचबीएल, उसका ये एटीएम कार्ड है मेरे पास, और इसमें ये जो है पीकेआर करेंसी में है, यहाँ इसमें से हम विड्रॉ करेंगे दिरहम में, और हम तकरीबन 100 दिरहम है, ऐसे सर वीडियो आपको दिखाने के लिए कि कितना टैक्स लगता है, तो 100 दिरहम यहाँ से हम विड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें कितना टैक्स लगता है, कितने चार्जेस लगते हैं, एटीएम के कितने चार्जेस हैं या नहीं है, क्या सीन है, पूरी डिटेल मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि कितने पैसे निकलते हैं, कितना चार्जेस आते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको ज़रूर देखते रहना है। और जो पाकिस्तानी होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं कि आप 200 पर ट्रांजेक्शन या 0.3% जो इसका होता है टैक्स, वो आपका पर ट्रांजेक्शन का जो फुल अमाउंट होगा उसका वो हम डिडक्ट करेंगे। लेकिन अभी आज 11 मार्च 2023 है, आज की डेट में मैं ये विड्रॉ करूँगा और जो भी टैक्स है, जो इतना भी होगा, जो भी डिडक्शन होगी, सारी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अभी मैं एटीएम के पास ही हूँ, चलते हैं, तो वहाँ से हम इस कार्ड से हम एटीएम विड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने पहले आपको बता दूँ कि मैंने इसको इंटरनेशनल यूज़ के लिए एक्टिव कर लिया है, तो अभी हम इससे पैसे विड्रॉ करके आपको मैं दिखाता हूँ। जी तो वेलकम बैक, अभी हम ये एक एटीएम पर आ गए हैं, ये ADIB का ATM है और यहाँ पर हम अपना कार्ड यूज़ करेंगे। समटाइम क्या होता है, अगर आपने पिन गलत इंटर किया तो आपका जो कार्ड होता है वो स्टक हो जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, वो आपका जो भी ATM होगा वो आप उसकी बैंक में जाके वो ATM कार्ड आप रिसीव कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो ATM जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो वन लिंक कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें वो सर्विस होनी चाहिए कि वो आपके पैसे निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, कोई लोकल छोटा मोटा ATM नहीं होना चाहिए। तो किसी भी जिस कंट्री में आप हो वहाँ का कोई भी मेन जो बैंक होते हैं, टॉप बैंक होते हैं, उनका ही आप ATM यूज़ करें ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना आए। तो अभी हम यहाँ पर कार्ड इंटर करेंगे, ये फर्स्ट टाइम मैं विड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या सीन होता है। ये जी ये देखें, यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कार्ड और यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि पिन इंटर करें, यहाँ पर अभी मैं पिन इंटर करूँगा अपना। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 100 दिरहम हम विड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पर 100, अगर आपने इससे ज़्यादा करनी है या अदर अमाउंट आपने खुद टाइप करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 100 दिरहम, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं यस करूँगा।
तो ये वी आर प्रोसेसिंग योर टाइम। यहाँ पर अभी देखें 100 दिरहम और एक्सचेंज रेट जो बता रहा है वो 81 बता रहा है और ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो 8106। तो ये आपको लगेगा क्योंकि आज का जो करेंसी का रेट है वो है 75-76 और यहाँ पर जो मुझे रेट लग रहा है वो 81 लग रहा है। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपने इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, आपको ये रेट सही है लगता है या नहीं लगता है। चलो हम प्रोसीड कर देते हैं। तो वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें कार्ड आ गया माशाल्लाह। ये देखें PKR अकाउंट से 100 दिरहम विड्रॉ कर लिया और ये उसकी रिसिप्ट भी आ गई। तो ये था जो मैं आप लोगों को कह रहा था। वेलकम बैक यार, मैंने तो गलती कर ली लेकिन आप लोग ये, क्योंकि मुझे तो इतना टैक्स लग गया यार कसम से, बहुत बड़ी गलती की मैंने। ये विड्रॉ करके ये 100 दिरहम मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताता हूँ क्यों। अब ये देखें मुझे जो कन्वर्जन रेट लगा वो 81 रुपये लगा और आज का जो करेंसी रेट है पाकिस्तान का PKR का एक दिरहम का रेट है 76 रुपीज़, इंटरनेशनल जो अभी रेट है 76 रुपये एक दिरहम का, लेकिन यहाँ पर मुझे जो रेट लगा वो 81 रुपये लगा डिडक्शन के। लाइक यहाँ पर अगर मैंने ये 100 दिरहम निकाला है तो मेरे अकाउंट से तकरीबन 7600 रुपये डिडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 8106 रुपये उन्होंने मेरे अकाउंट से डिडक्ट किए हैं। तकरीबन 500 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने डिडक्ट किए हैं करेंसी रेट की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से। और उसके अलावा फिर जब मैंने जाके अपने अकाउंट की हिस्ट्री चेक किया वहाँ पर एक तो 2% नॉन फाइलर का टैक्स जो लगा है 160 रुपये वो उन्होंने डिडक्ट किया है, और उसके साथ जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मैंने यूज़ किया है उसके 840 रुपये पाकिस्तानी उन्होंने उसके वो काटे हैं। मतलब मुझे 100 दिरहम निकाले थे हैं तो वहाँ पर उसके साथ मुझे तकरीबन 1500 रुपये पाकिस्तानी मुझे जो है वो मेरे डिडक्ट हुए हैं टैक्स और ये चीज़ें, डिडक्शन और ट्रांजैक्शन ये सब कुछ मिला के 1500 रुपये। और अगर यही 100 दिरहम अगर अब मैं पाकिस्तान में भेजूँगा तो मुझे तकरीबन 7300-7400 ऑनलाइन, अगर मैं एक्सचेंज से भेजूंगा तो 7600 तक मिलेगा। लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट से 9000 रुपये पाकिस्तानी काट लिए हैं, 9000 रुपये। और यहाँ से अगर मैं भेजूंगा तो 100 दिरहम का 7600-7400 उधर मिलेगा और वहाँ से अगर मैंने इधर इंटरनेशनल यूज़ करके निकाले हैं तो वो मुझे रेट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है 500 रुपया रेट में से नुकसान एक्सचेंज रेट से। और उसके साथ 160 रुपये एज अ नॉन फाइलर उन्होंने वो डिडक्ट किए हैं और 840 रुपये पर ट्रांजैक्शन जो डेबिट कार्ड मैंने यूज़ किया उसके उन्होंने काट लिए, मतलब 1500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा पाकिस्तानी जो हैं वो डिडक्ट हुए हैं। तो ये सीन हुआ है जो मैंने एक ट्रांजैक्शन किया है, नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी भी नहीं करूँगा यार। 100 रुपये 1500 रुपये इतनी बचत नहीं होती जितना पर ट्रांजैक्शन और पर ATM से वो हो गया है। सिर्फ जो जिस ATM से मैंने निकाले इसके ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं क्योंकि इस कंट्री का रूल जो होता है वो सेम ही होता है सबके लिए। तो मेरा तो बैड एक्सपीरियंस रहा है। और जो कुछ भाई बोल रहे थे कि आप हमें विड्रॉ करके दिखाएं, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो आप लोग देख लें कि ये सीन है। अगर आप लोग अपने पाकिस्तानी अकाउंट से यहाँ पर विड्रॉ करते हैं तो आपको ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो विड्रॉ करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोच लेना कि आपने कितने विड्रॉ करने हैं। ये तो सर मैंने जस्ट 100 किया है और जो अच्छे खासे हैं वो आप 1000 करेंगे, 10000 करेंगे, 20000 करेंगे तो सोचें उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं US रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।